नमस्कार। अगर मैं आपको कहूं कि आप बिना किसी कठिन साधना के बहुत सारी रहस्यमयी आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि वाक सिद्धि, संकल्प सिद्धि, स्वप्न सिद्धि, वैसी कई सारी रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियां, आपका कुंडलिनी जागरण हो सकता है। उसके अलावा भी अगर मैं कहूं कि आप हमेशा सदैव तंदुरुस्त स्वस्थ जीवन प्राप्त कर सकते हैं, चिर यौवन प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है, ऐसी बात पर आसानी से कोई यकीन नहीं करेगा, पर यह सत्य है। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ज़ोरदार, असरदार, सहज साधना की विधि बताने वाला हूँ कि मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इस विधि को आपने अपने जीवन में अपनाया, आत्मसात किया, तो आप देखोगे आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि जिस साधना की मैं बात कर रहा हूँ, स्वयं मैंने उसे अपने जीवन में अपनाया है, और मैं स्वयं ये जो सिद्धियों की बात करता हूँ उसमें से कुछ सिद्धियाँ मैं भी प्राप्त कर चुका हूँ। अक्सर हम ये मानते हैं कि इस तरह की जो सिद्धियाँ हैं जिसकी अभी मैंने बात की, ये सिद्धियाँ तो हिमालय में बहुत परम योगियों के पास ही होती है, और ये सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सत्य नहीं है। हिमालय में जो योगी साधना करते हैं उनके पास तो बड़ी विशिष्ट सिद्धियाँ होती है। वो लोग हिमालय की कंदराओं में साधना करते हैं, और -40-50 डिग्री टेम्परेचर में भी उनके पास ऐसी सिद्धि होती है कि वो अपने शरीर के तापमान को इतना बढ़ा लेते हैं कि माइनस टेम्परेचर में भी उनके शरीर से पसीना छूटने लगता है। तो ये सिद्धियाँ ऐसी उनके पास होती हैं, हमें इस तरह की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सहज सिद्धियाँ हैं, जैसे कि मैंने कहा कि स्वप्न सिद्धि, संकल्प सिद्धि, वाक सिद्धि, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना, चिर यौवन प्राप्त करना, ये सिद्धियाँ तो हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये कैसे होता है, इसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि ये जिस ज्ञान की, जिस विधि की मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ, हजारों सालों से हमसे ये बात छिपाई गई है, और आज आपको मैं इस वीडियो से ये आपको बताने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये क्या विधि है? इसको कहते हैं प्राण साधना। हम जो सांसें लेते हैं, सांसों के द्वारा हम प्राण ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, और ये जो प्राण ऊर्जा है उसका हमारे शरीर के भीतर 5 तरह से नियंत्रण और नियमन होता है, जिसे कहते हैं प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। ये 5 प्राण के अलावा 5 उपप्राण भी होते हैं, और ये 5 उपप्राण हैं कुरकिल, कुर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय। ये 5 उपप्राण हमारे शरीर के अंदर प्रेशर वाल्व का काम करते हैं। जैसे कोई बड़ा मशीन होता है, कोई वेसल होता है, बॉयलर, प्रेशर कुकर इत्यादि, जिसमें एक सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, वो वेसल के अंदर प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर ये जो 5 उपप्राण हैं वो विभिन्न प्रकार से सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। और जिस प्राण साधना की मैं आज बात करने वाला हूँ, इसे आपने अगर आत्मसात किया तो आप देखोगे कुछ ही दिनों के अंदर आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं, आपको ये सारी सहज सिद्धियाँ मिलने लगती है। तो करना क्या है, इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। पावर ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग जो है वो मिरेकुलस है। करना क्या है, आपको सदैव अपने सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। अक्सर हम कोई काम करते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान अपनी सांसों पे नहीं होता है, हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारी सांसों की जो चलने की जो गति है वो अपने आप अनकॉन्शियसली चलती रहती है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल लाना है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो तुरंत अपना ध्यान सांसों पे लाइए, काम करते रहें, बात करते रहें, लेकिन ध्यान सांसों पे, और ऐसे गहरी सांसें लेते रहिए। शुरू शुरू में आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि ये कैसे संभव है कि किसी से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और साथ में सांसों पे ध्यान केंद्रित करना, शुरू में कठिन लगेगा। लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे
कि कुछ दिनों के पश्चात आपका बिल्कुल कंट्रोल आपके सांसों के ऊपर आ जाएगा और इसे कहते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। और मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं प्राण साधना। हमारा जो प्राण, यानी कि जब शरीर से हम कहते हैं ना कि प्राण निकल गए, प्राण छूट गए, जब प्राण छूट जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो आत्मा का और प्राण का जो संबंध है वो पतंग और डोर जैसा है। जैसे डोर कट जाती है तो पतंग टूट जाता है, आसमान में हमारी आँखों से ओझल हो जाता है। वैसे ही जब हमारे प्राण छूट जाते हैं तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। तो ये प्राण साधना से, जैसे कि मैंने कहा, ये सारी सहज सिद्धियाँ तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप रेडिएंट हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, चिर यौवन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उतनी ऊर्जा आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं यकीन से दावे से इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी आयु जो है, मैं 59 ईयर्स हैं, नेक्स्ट 12 अप्रैल को 59 कंप्लीट होके 60 शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मैं करीब करीब रोज़ हमारे ये आश्रम आस्था ध्यान केंद्र में ऑन एन एवरेज 9 से 10 किलोमीटर चलता हूँ और मेरा आहार भी बिल्कुल नियंत्रित है। मैं दिन भर ऊर्जा से भरपूर महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो बातों का अनुभव मैं कर रहा हूँ आप भी अनुभव करें, और इसलिए आपसे ये बातें शेयर करता हूँ। और मुझे यकीन है आप भी मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये जो प्राण साधना है उसके कई सारे चरण होते हैं। जो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पहला चरण है जिसमें आप कॉन्शियस कंट्रोल प्राण ऊर्जा पे प्राप्त करते हैं, इसे पहला चरण कहते हैं। और उसके बाद अलग अलग चरण होते हैं। जो हिमालय के परम योगी होते हैं वो 11वें चरण तक पहुंचते हैं, तब जाके उनमें ये सिद्धि आती है कि अपने शरीर के तापमान को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारी रहस्यमयी शक्तियाँ होती है। तो ये जो पहला चरण है, उसके बाद दूसरा चरण भी होता है। दूसरे चरण में कुछ बीज मंत्र का उच्चार सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ किया जाता है। ये जो बीज मंत्र का उच्चारण मुँह से नहीं करना होता है, उसे अजपा कहते हैं, मुँह से नहीं बोलना है। लेकिन आप जब अपने प्राण पे ध्यान केंद्रित करते हैं, सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हैं, तो साथ ही आपके भीतर ये मंत्र का जाप भी चलते रहता है। तो यहाँ पर वो बीज मंत्र की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि कभी आपको और मुझे ये सौभाग्य मिले कि आपकी और मेरी मुलाकात हो। यहाँ पर आश्रम में शिविर होते हैं, आप कभी इस आश्रम में शिविर में आए तो उस शिविर में आपसे ज़रूर मैं उस बीज मंत्र के बारे में चर्चा करूँगा, क्योंकि ये बीज मंत्र वीडियो के माध्यम से शेयर नहीं किया जाता है। तो ये जब आप साधना करते हैं, प्राण साधना करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, तो आप देखोगे धीरे 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 आपका ध्यान अपने आप आपकी सांसों पे बना रहेगा। इससे सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैंने अपने जीवन में हासिल करी है वो ये है संकल्प सिद्धि। क्योंकि आप अपने चित्त की शक्ति को आपके संकल्प के ऊपर केंद्रित करते हो, पर ऐसी बातें जो आप डिजर्व करते हैं और आपके पास नहीं है, तो वो संकल्प की शक्ति, वो संकल्प की सिद्धि आपको मिलने लगती है। आप देखोगे कि जो संकल्प आपने किया वो धीरे धीरे आप देखोगे आपके जीवन के अंदर ऐसी स्थितियों का निर्माण होते हैं, ऐसे लोग आपके पास खींचे चले आते हैं, और जिससे आपका जो संकल्प था वो फलीभूत हो जाता है। और ये मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। और इस प्राण साधना की एक और विधि भी है जिसको कहते हैं मुद्रा ब्रीदिंग। और ये मुद्रा ब्रीदिंग का वीडियो भी मैं हमारे YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर जो लिंक दिया गया है उस लिंक के जरिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पावर ऑफ कॉन्शियस ब्रीदिंग को आप आत्मसात करें। तो बाद ये बड़ा आसान, बड़ी सहज विधि है। जब कभी भी किसी से बात करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे ही आपका ध्यान हटता है अपना ध्यान सांसों पर लाइए और डीप ब्रीदिंग करिए। कुछ दिनों के पश्चात आप देखोगे आपका बिल्कुल कॉन्शियस कंट्रोल आपकी सांसों के ऊपर आ जाएगा, आपका प्राण जो है आपके वश में हो जाएगा, और प्राण के वश में होते ही आप अपने जीवन के अंदर चमत्कारिक रूप से बहुत सारी सिद्धियों का अनुभव करेंगे। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपना कॉमेंट लिखना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।